पेच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पौनी एक संघ नियंत्रण वन परिक्षेत्र के मौजा झिंझरिया गांव में बाघ की दहशत से नागरिक भय में जी रहे थे। हाल ही में T-114 नामक नर बाघ ने इस क्षेत्र में मनुष्यों समेत मवेशियों पर हमला किया था। इसमें एक वृद्धा और मवेशियों की मौत हो गई थी, एक व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गया था। इसके मद्देनजर पेंच टाइगर रिजर्व के उप निदेशक डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ला के दिशा निर्देश के अनुसार क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई। आखिरकार वन विभाग की टीम ने आदमखोर बाघ को पकड़ लिया। बाघ के पकड़े जाने के बाद स्थानीय नागरिकों ने चैन की सांस ली। तो वही दूसरी खबर है कि बाघ के मृत होने की, जिसमें भंडारा और गोंदिया जिले में आने वाले नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में एक बाघ का शव मिला है। मृत बाघ का नाम T-9 बताया गया। उसकी उम्र 9 से 10 वर्ष थी। जांच के लिए नमूने लेने के बाद वन विभाग ने बाघ का शव विच्छेदन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह करीब 10 बजे वन परिक्षेत्र नागजीरा अभयारण्य अंतर्गत सह वन क्षेत्र नागजीरा परिसर नियत क्षेत्र नागजीरा कक्ष 1 क्रमांक 96 में मंगेजरी रोड नागदेव पहाड़ी परिसर में एक बाघ मृत अवस्था में मिला। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड नागपुर।